नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम कार्यक्रम का लाइव देखना हरियाणा के रोहतक जिले के बीजेपी नेताओं को भारी पड़ गया। गांव किलोई स्थित प्राचीन शिव मंदिर में लाइव कार्यक्रम से जुड़े बीजेपी के प्रदेश और रोहतक के लगभग 150 नेताओं और कार्यकर्ताओं को मंदिर में किसानों ने बंधक बना लिया। काफी मनाने के बाद पूरे 8 घंटे 11 मिनट बाद शाम 5:41 पर उन्हें छोड़ा गया। बीजेपी नेता सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखने मंदिर पहुंचे थे। इसकी सूचना पर किसानों ने उन्हें बंधक बना लिया। सबसे पहले जिलाध्यक्ष अजय बंसल बाहर आए, उसके बाद सतीश नादल और फिर पूर्व राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर भी मंदिर से बाहर आए। किसानों के विरोध के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मध्यस्थता की। हालांकि बीजेपी नेताओं के माफी मांगने के बाद भी इस बात पर पेच फंस गया कि प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने हाथ नहीं जोड़े। कई घंटे चले विवाद के बाद बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर मंदिर बालकनी में आए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। हालांकि उन्होंने सिर्फ सेकंड भर के लिए हाथ जोड़े और इसके तुरंत बाद एकदम बालकनी से वापस अंदर मंदिर में चले गए। सुरक्षा के मद्देनजर डीसी रोहतक और 4 जिलों के एसपी मंदिर में पहुंचे। पहले लोगों को मंदिर से बाहर भेजा, काफी हद तक एरिया खाली करवाने के बाद ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला गया है।